एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसला है उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने के लिए आज यहाँ श्रीनगर शहर में हमने एक ड्राइव स्टार्ट किया, जिसमें एसएसपी साहब भी हैं, एसएसपी ट्रैफिक भी हैं। तो इस ड्राइव का मकसद ये है कि एक तो गाड़ियों में जितनी सीटिंग कैपेसिटी परमिसिबल है उससे ज़्यादा कोई नहीं होना चाहिए एज़ पर कोविड प्रोटोकॉल, और दूसरी चीज़ ये है कि विदाउट मास्क कोई आदमी नहीं मिलना चाहिए। तो आपको मालूम होगा कि जो पॉजिटिव केसेस हैं हर जगह वो बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो कोविड SOPs हैं उनको फॉलो करें, और इसको फॉलो करना सज़ा ना समझें, बल्कि ये हम सब की जिम्मेदारी है। और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वी हैव टू टेक इट एज ए पार्ट ऑफ आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, अगर देखा जाए, अभी बताया जाता है कि लॉकडाउन शायद यहाँ पर वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट किए गए थे, तो उसके लिए थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ये फैसला जो है गवर्नमेंट का है। जैसे गवर्नमेंट का फैसला आएगा, हम एक एज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, पुलिस को पूरी डायरेक्शन है कि हर जगह चेकअप किया जाए। देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक आर्डर निकला हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ जो ऑफिसर्स हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट से, ट्रैफिक से, रेवेन्यू या दूसरे डिपार्टमेंट से भी अथराइज उनको किया गया है टू इम्पोज फाइन्स इन केस पीपल आर फाउंड विदाउट मास्क। देखिए, हम एक बात बड़ी जाहिर है कि हम लोग इस चीज़ को, मास्क हर एक को मालूम है, हर शख्स को आज मालूम है, एक साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया कोरोना वायरस के साथ रहते हुए हर एक को मालूम है कि मास्क पहनना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी नॉन कम्प्लायंस कहीं कहीं देखी जाती है। ओवरऑल जो है श्रीनगर ज़िले में अगर आप देखें आज की डेट में मास्क पहनने में कंप्लायंस अच्छी है, लेकिन जहाँ जहाँ वायलेशंस मिलेगा वहाँ कार्रवाई भी की जाएगी। ऑक्सीजन स्टॉक अवेलेबल है, और ऑनरेबल LG साहब की जो डायरेक्शंस हैं उस पर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मज़ीद जो ऑक्सीजन मैनिफोल्ड हैं वो भी सेटअप किए गए हैं, और अभी शॉर्टली वो फंक्शनल हो जाएंगे। सर, अभी कुछ रिमोर्स है कि होटल्स को खाली किया जा रहा है क्योंकि उनको हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, ये कहाँ तक सच है सर? देखिए, आपने शायद दिल्ली की सिचुएशन को समझ के बोला होगा या महाराष्ट्र की सिचुएशन को समझ के बोला होगा, हम लोगों के पास अभी बेड कैपेसिटी सफिशेंट है, और लास्ट ईयर जो कोविड केयर सेंटर सेटअप किए गए थे वहाँ भी सफिशेंट स्पेस अवेलेबल है, ऐसे इस चीज़ की अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सर, रिपोर्ट आ रही है कि शायद श्रीनगर सिटी में वीकेंड कर्फ्यू लग रहा है। जब ऐसा डिसीजन सरकार लेगी वो कन्वे कर दिया जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा, और हम लोग उसको स्ट्रिक्टली फिर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। INS. Extremely fearless journalism.